हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स एकदम सिंपल वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेगा। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे इमेज देख ही सकते हो, आज हम लोग बात करने वाले इनोवा हाईक्रॉस का जो प्राइस रिवील हो गया उसके बारे में। सो मैं आपको बता देता हूं, आप अगर देखेंगे स्क्रीन पे आपको टोटल 8 प्राइसिंग दिख रही है, 4 पेट्रोल में और 4 हाइब्रिड में। तो ये कौन से 4 वेरिएंट है हाइब्रिड एंड पेट्रोल में, मैं ये भी आपको एक बार बता दूंगा एंड अकॉर्डिंगली उसका प्राइस तो आप स्क्रीन पे देख रहे, एक बार मैं बता भी दूंगा। सो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा इनोवा हाईक्रॉस GSLF। अब SLF का मतलब होता है स्पीड लिमिटर। अब स्पीड लिमिटर वाली SLF वाली जितनी भी गाड़ी आपको देखने मिल रही स्क्रीन पे, टोटल 2 देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर गाड़ी जाने वाला नहीं है। तो GSLF में 2 वेरिएंट है, एक 7 सीटर और 8 सीटर। टेक्निकली दोनों गाड़ी बिल्कुल भी सेम है, फीचर वाइज, इंजन परफॉर्मेंस, सारी चीजें। इसमें प्राइस डिफरेंस जो है 5000 रुपीज का है 7 और 8 सीटर का। तो जो GSLF आप देख रहे हैं 7 सीटर का, एक्स शोरूम है 18,30,000। और वहीं पे अगर आप GSLF 8 सीटर का बात करेंगे तो एक्स शोरूम जो है वो है 18,35,000। आगे बढ़ते थर्ड नंबर पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है इनोवा हाईक्रॉस GX 7 सीटर। अब ये भी प्योर पेट्रोल है, जैसा ऊपर के दो GSLF वाले वेरिएंट प्योर पेट्रोल थे, ये भी गाड़ी प्योर पेट्रोल है। अब जो GSLF है वो नॉर्मली हम इंडिविजुअल पे नहीं ले पाएंगे, मतलब लोगों को लेना है तो ले सकते हैं बट 80 के ऊपर वो जाएगा नहीं। तो मेरे को लगता नहीं है कोई भी इंडिविजुअल परचेस पे वो जाएगा। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई फ्लीट वाला है या कोई कॉर्पोरेट वाला है जिसका रिक्वायरमेंट ही वैसा है कि 80 के स्पीड वाले ऊपर गाड़ी उनको नहीं चाहिए, या अगर आपको मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बताऊँ या इंडियन गवर्नमेंट का भी बताऊँ तो जो येलो नंबर प्लेट्स रहती है उनको जो परमिशेबल लिमिट है वो 80 है। तो कोई GSLF नहीं लेगा। तो मेरे हिसाब से थर्ड नंबर पे जो जी हाईक्रॉस GX आप देख रहे हैं 7 सीटर, ये वेरिएंट पे लोग ज्यादा जाएंगे। ये वेरिएंट पे ज्यादा इसके लिए जाएंगे क्योंकि ये पेट्रोल इंडिविजुअल पे आप चला सकते हो और इसमें ऐसा कोई स्पीड लिमिट आता नहीं है। इसका अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो GX 7 सीटर जो आपको देखने को मिल रहा है वो है 19,15,000 का, एक्स शोरूम इंडिया। और उसके बाद जो GX 8 सीटर आपको हाईक्रॉस देखने को मिल रहा है वो है 19,20,000 जो हो गया आपका एक्स शोरूम इंडिया। अब इस प्राइस के बाद आपको डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लगेगा जो बहुत आराम से 3 से 6 लाख के बीच में रहेगा। मॉडल टू मॉडल सबका अलग अलग है, 4 से 6 भी आप पकड़ सकते हैं। तो उतना आपको ऐड करना है जिससे ऑन रोड प्राइस बन जाएगा, एक आध दिन में वो भी आ जाएगा, उसका भी मैं आपको अपडेट वीडियो बना के दे दूंगा। तो ये पेट्रोल के वेरिएंट्स क्लियर हो गए। चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिड वेरिएंट्स। सो अगर हाइब्रिड के 4 वेरिएंट की मैं बात करूं तो आइडियली 3 वेरिएंट है। VX में 7 और 8 सीटर आता है, इसके लिए आपको 4 वेरिएंट दिख रहे। तो इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड जो VX वेरिएंट है 7 सीटर, उसका प्राइस है 24,01,000 रुपीज, ठीक है। वहीं पे अगर इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड VX 8 सीटर आप देखेंगे तो इसका प्राइस आपको देखने मिल रहा है 24,06,000। तो इसमें भी 5,000 का फर्क है 7 और 8 सीटर में, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि अगर आप इसे पेट्रोल से कंपेयर करेंगे 19,20,000 को 24,01,000 से, सो अराउंड 5 लाख का पेट्रोल और हाइब्रिड में फर्क आया है। और GX और VX के मॉडल में फीचर्स भी काफी चेंजेस है, तो अराउंड आप देख सकते हैं 5 लाख का डिफरेंस यहाँ पे आया है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं ZX के बारे में बात करते हैं। इनोवा हाईक्रॉस ZX हाइब्रिड जो वेरिएंट है उसका प्राइस आया है 28,33,000, जो अगेन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस आया है इतने सारे फीचर्स की इतनी बड़ी इनोवा हाईक्रॉस व्हीकल के लिए, ठीक है। उसी के साथ अगर आप आगे देखेंगे इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड जो ZX O वेरिएंट है उसका प्राइस आया है 28,97,000। तो एकदम एक 60,000 का फर्क है। 60,000 में आपको ZX एंड ZX O में जो टोयोटा सेफ्टी सेंस लेवल 3 के सेफ्टी फीचर्स है, जैसे कि डायनामिक रडार, क्रूज कंट्रोल हो गया, ये सारे फीचर्स यहाँ पे आपको ऐड करके मिल जाते हैं। सो होप प्राइसिंग आपको क्लियर है। मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके और भी आपको ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में अपडेट देने का। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं आंसर कर दूंगा। मैं वापस से बोल देता हूँ, ये जो स्क्रीन पे आप प्राइस देख रहे हैं ये एक्स शोरूम है। ऑन रोड में आते आते 5-6 लाख
रुपया बहुत इजीली इसका बढ़ जाएगा। तो अगर आपको एक रफ आइडिया मुझे देना है तो ऑन रोड प्राइस रफली चालू होएगा एक 23 लाख से एकदम बेसिक जी मॉडल का, और जो टॉप एंड वेरियंट है उसका इजिली जाएगा 34-35 लाख तक। सो होप वीडियो क्लियर है। कुछ भी अगर आपको डाउट है प्लीज कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच।